तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अपन ने फीमेल पूरा क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। आज हम ना स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। छोटा सा है, इजी सा है, बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, ये फीमेल जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये फीमेल जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, चलो। तो आप लोगों को जैसे काफी हद तक तो मतलब ये इजी लगने वाला है, बिकॉज है इजी। तो देखो, सबसे पहले हमने फीमेल में क्या देखा था, फीमेल में भी हमने ये देखा था कि यार वो उसके पार्ट्स क्या क्या थे, किस किस पार्ट से वो कंप्राइज होके बना था, कौन से पार्ट जरूरी थे, कौन से पार्ट सिर्फ एक्सेसरी थे, कौन से प्राइमरी थे, है ना। ये सारी चीजें हम मेल्स में भी देखने वाले हैं, और मेल गैमिट का बनना विच इज स्पर्म वो हम देखने वाले हैं। सब ये दो चीजें हैं जो फटाफट निपट जाएगी। ठीक है, सबसे पहले यार देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना किससे है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, सबसे पहला बना होता है वो पेयर ऑफ टेस्टिस से, यानी दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी जो होती है ना बेटा, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ओवल शेप्ड होते हैं ये। ठीक है, कैसे होते हैं? ओवल शेप्ड। इसका अगर आपसे कोई साइज पूछे कि यार आपसे कोई ना साइज पूछ सकता है, जैसे लेंथ पूछ ली आपसे, लेंथ कितनी होती है? 4 टू 5 सेंटीमीटर। विड्थ होती है इसकी 2 टू 3 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 4 टू 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि कहां पे टेस्टिस की जो पेयर है वो प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में। किस में प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम में बेटा क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू मेंटेन द टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर। और टेम्परेचर से मैम आपका क्या मतलब है? क्या टेम्परेचर मेंटेन करना बेटा? जो टेम्परेचर आपका बॉडी का है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर रखना है, और वो इसलिए रखना है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनाने के लिए बॉडी का, बॉडी से इतना टेम्परेचर इसका कम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इज दैट क्लियर? है ना। अब जैसे ना देखो, हर एक जो टेस्टिस है, जैसे ये टेस्टिस है, इसके अंदर ना कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और हर एक कंपार्टमेंट में, इन एवरी वन कंपार्टमेंट, कुछ सेमिनी फेरस टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनी फेरस टिब्यूल। हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल क्या होते हैं? सेमिनी फेरस टिब्यूल। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक समझ आया? यस मैम। अब बेटा ये सेमिनी फेरस टिब्यूल आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जैसे ये कंपार्टमेंट था तो 1, 2, 3 ये सेमिनी फेरस टिब्यूल प्रेजेंट है। तो ये जो सेमिनी फेरस टिब्यूल है ना बेटा, ये करते हैं हमारे स्पर्म्स को प्रोड्यूस। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना, ये तो सॉर्टेड था, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब ये जो बेटा सेमिनी फेरस टिब्यूल है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके ऊपर कोई लाइनिंग प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। जैसे ये सेमिनी फेरस टिब्यूल है तो इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उस कवरिंग को क्या बोलेंगे? कोई मुझे बताएगा किस चीज की बनी होती है? एक सेकेंड रुक जाओ। हु एंटर्ड दैट? ठीक है चलो। हाँ मुझे बताओ, वो कवरिंग किसकी बनी होती है? 2 टाइप के सेल होते हैं बेटा, मैं आपको इंटरस्टाइल सेल। ठीक है, वेरी गुड। सेमिनी फेरस टिब्यूल आर लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, और वो 2 टाइप के जो सेल है उसका नाम है, बोलो क्या? मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। इन दोनों का ना अलग अलग काम है, और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जो मेल जर्म सेल है ना, वो हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं?
स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, क्या स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं ना बेटा, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, मतलब वो बढ़ेंगे बनेंगे, तो कोई भी चीज जो उसको ये सब करने में हेल्प करेगी वो है हमारा कौन, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। इज दैट क्लियर? यस मैम। या फिर बोल दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, उसने जर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया तो वो स्पर्म में हेल्प करता है, स्पर्म को बनने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब आप देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना बेटा, इसके बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस खाली दिख रहा होगा, दिख रहा है ऐसे करके? यस मैम। तो बेटा ये जो स्पेस बच गया ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस है, तो इस स्पेस को कोई मुझे बताएगा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा इंटरस्टीशियल सेल या लीडिंग सेल, स्पेस स्पेस इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं इसको, ये जो स्पेस रह गई। ठीक है, तो अभी जो इंटरस्टीशियल स्पेस है ना बेटा, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, क्या बताओ? बोलो। नेक्स्ट स्लाइड पे लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, ये जो हमारे जो मैंने क्या बोला आपको इंटरस्टीशियल स्पेस, तो बेटा जो इंटरस्टीशियल स्पेस है ना, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है यार, एक तो इसका नाम है इंटरस्टीशियल स्पेस, तो इसमें प्रेजेंट होंगे इंटरस्टीशियल सेल। ठीक है, इज दैट क्लियर? और बाकी के बचे ब्लड वेसल्स। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो इंटरस्टीशियल सेल है ना बेटा, इसको हम एक टर्म और देते हैं जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेडिक सेल। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन हमारे क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो आपको पता है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? हमारे मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये क्लियर है सबको कि क्या चला है यहाँ तक कहानी? ये yes, स्पेस में थे, इस स्पेस में जो सेल थे वो हमारे रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। लेडिंग सेल क्या है? क्या बेटा? लेडिंग सेल। बेटा लेडिंग सेल देखो, मैंने आपको बताया ये इंटरस्टीशियल सेल जो है, इनके बीच में स्पेस होता है जिसको बोलते हैं, जो खाली बच जाता है उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। तो उस स्पेस के अंदर ना सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली बात है ना, कोई स्पेस है वहां सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, तो वो जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं लेडिक सेल, और वही हमारा एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है मैम। देखो जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम से बताना चाहूंगी, ये देखो ये एक टेस्टिस था बड़ा सा, इसके अंदर आपको काफी सारे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, और हर एक कंपार्टमेंट में, ठीक है जैसे देखो आपको ये कंपार्टमेंट दिखा, ठीक है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल आपको दिख गया, इस लोब्यूल के अंदर आपको ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है? यस मैम। समझ पड़ा? अब देखो क्या होता है, अब हम आते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, एसेसरी डक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? एसेसरी डक्ट। आई थिंक मेरे को यही बताना चाहिए, एपिडिडाइमिस है, इसके अंदर वास्टर डिफरेंस भी है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताती हूँ। अब ये हमने ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा था अभी, तो कौन सा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अभी थोड़ा मैं देखना चाहती हूँ असेसरी डक्ट कौन सी होती है। तो पहली जो असेसरी डक्ट है वो कौन सी है? रेटे टेस्टिस। कौन सी? रेटे टेस्टिस। सेकंड कोई बताएगा मेरे को? वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया। फिर एपिडिडाइमिस। फिर और कोई बताएगा? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वेरी गुड, दैट्स इट। यस। ठीक है, तो देखो मैं अब आपको बताती हूँ रेटी टेस्ट जिसके अंदर आई थिंक नहीं दे रखा, तो आप आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर। दिख रहा है आपको पूरा स्ट्रक्चर? यस मैम। क्लियरली ना? देखो एक सेकेंड।
देखो अभी तक हमने क्या देखा, टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से हमारे क्या निकल रहा था बोलो, क्या देखा था, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स निकल रहे थे, ये सबको याद है? Yes. Yes, तो ये जो बेटा यहाँ पे जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है वो किसके थ्रू निकलते हैं? देखो ये लोब्यूल से हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल निकलेंगे, यहां से हमारे सेमिनिफेरस जो टिब्यूल है ना ऐसे ऐसे करके ये निकलेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, देखो वासा डिफरेंशिया। तो हमारे ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये किस में निकलते हैं, वासा डिफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस, ये जो पोर्शन है दिस इज रेटेड टेस्टिस, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल विल रिलीज इन टू वासा डिफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस, इज दैट क्लियर? वासा डिफरेंशिया के बाद अब आप देखो वो ऐसे करके यहाँ पे एपिडिडाइमिस में आ चुके हैं, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज एपिडिडाइमिस है ना, तो एपिडिडाइमिस में आ चुके हैं ये, ठीक है। फिर ये और डिसेंड डाउन होते हैं, फिर आपको ये दिख रहा होगा ये ऐसे करके चल रहे हैं, ये आ जाते हैं आगे वास डिफरेंस में, पहुंच गए वास डिफरेंस में, सबसे पहले कहां थे, रेटी टेस्टिस के थ्रू वासा डिफरेंशिया में खुला, वासा डिफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस में गया, एपिडिडाइमिस से वो वास डिफरेंस में आया, वास डिफरेंस से अब आप देखो ये ऐसे करके यहां से ये सेमाइनल वेसाइकल, ये वाला और ये सेमाइनल वेसाइकल ये आगे जाके यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ये देखो yes, जुड़ जा रहे हैं यहाँ पे दिख yes, पा रहा ना, तो ये यहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं और ये ओपन होते हैं कॉमन कैविटी, कॉमन कैविटी विच इज नोन एज क्या, यूरिथ्रा, ये देखो ये फिर जाके ओपन हो जा रहे हैं यूरिथ्रा में, इज दैट क्लियर? और यूरिथ्रा के साथ ये डिसेंड डाउन करते जाते हैं और ये हमारे ओपनिंग होती है इसके थ्रू ये बाहर हमारे रिलीज हो जाता है, ठीक है? Yes, हमारा यहां से लेके ये जो पोर्शन है ये जो हमारा विजिबल होता है मेल के अंदर इसको हम बोलते हैं पेनिस, क्या बोलते हैं, पेनिस। और बेटा ना इसके यहाँ पे एकदम आगे की तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फोर स्किन, क्या बोलते हैं, फोर स्किन, इज दैट क्लियर? यस मैम। और आगे वाला जो पोर्शन होता है दैट इज ग्लैंड्स पेनिस, इज दैट क्लियर? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब देखो जो मेल ये जो है ना आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो दिख रहा है इसके अंदर एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका ना बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, कोई मुझे बताएगा क्या इनका रोल है? देखो अभी ये सारा देखो ये जो हमने देखा ये सारे हमारे क्या थे, एक्सेसरी डक्ट थे, ये क्या थे, एक्सेसरी डक्ट। ये बेटा ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ना, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तो यहाँ पे कितने सेमाइनल वेसाइकल प्रेजेंट है, दो पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल प्रेजेंट है ना बच्चा पार्टी, एक yes. और ये दो, तो ये दोनों और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये दोनों ये और ये सब मिलके हमारे कंप्राइज करते हैं, मैं थोड़ा सा स्कूल की कर देती हूँ, ठीक है, ये हमारे कंप्राइज करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड, क्या बेटा, ये जो तीनों है कंप्राइज एक्सेसरी ग्लैंड, दे हैव टू फॉर्म लिक्विड, यस यस राइट प्रियांशु, ठीक है, ये हमारे बनाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड, ये तीनों मिलके बनाते हैं। अब इनका रोल क्या है बेटा, ये कुछ कुछ चीजें ना सिक्रीट करते हैं, क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, अब वो क्या सिक्रीट करते हैं, प्लाज्मा मैम, सब कुछ सिक्रीट करते हैं वो, बोलते चलो सही बताया इस बच्चे ने, सेमाइनल इनका जो सिक्रीशन होता है ना बेटा इन तीनों का उसको हम मिला के बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अब बेटा ये जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है ना इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब जो बोलते हैं ना हेल्दी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे रिच इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल है हमारे जब जैसे स्पर्म बन रहा है उसके लिए, दूसरी चीज लुब्रिकेशन आगे आएगा उसके लिए भी जरूरी है। हाँ जैसे ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इसका जो सिक्रीशन है ना वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, इज दैट क्लियर? यस मैम।
किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम. ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया ना आपको, ये कैसे चला है? यस मैम. चलो फिर आगे बढ़े अपन. यस मैम. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्या ये आपने देख लिया, ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है भाई. तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आखिर जो स्पर्म है वो बन कैसे रहे हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक आता है गैमेटोजेनेसिस, विच इज द फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, यानी मेल गैमेट. ये कैसे बनेगा मुझे बताओ. स्पर्म हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड. डिप्लॉइड. बहुत डिप्लॉइड होगा. 2n होगा स्पर्म? नो मैम, हैप्लॉइड. मतलब एक स्पर्म मिलता है और एक ओवम मिलता है तभी तो जाके डिप्लॉइड जायगोट बनता है. मैम हैप्लॉइड. हैप्लॉइड तो हैप्लॉइड होगा ना. हमेशा जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं बच्चा, ठीक है. देखो ये पूरा जो अपन प्रोसेस है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पर अगर उसको शॉर्ट में बोले तो क्या आपने देखा टेस्टिस के जो इमेच्योर जर्म सेल होते हैं, विच इज इमेच्योर जर्म सेल, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्मेटोगोनिया. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया. मैंने अभी आपको बताया था ना. तो स्पर्मेटोगोनिया हमारा बेसिकली वही बनाते हैं स्पर्म्स. अब वो कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं वो हम पूरा देखने वाले हैं. तो सबसे पहले ना यहाँ पे तीन टर्म जो है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं तो मैं उनको ना पहले यहाँ पे लिख देती हूँ. स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, और तीसरा स्पर्मिएशन. मैंने ये तीनों टर्म यहीं पे एक साथ लिख दी है सो दैट आप इनको कंपेयर कर सको और देख सको ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है. तो देखो जो पूरा प्रोसेस है ना स्पर्म का बनने का, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, अब देखो ये जो स्पर्मेटिस का प्रोसेस है ना बेटा, ये आपकी जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी हिट करती है तभी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है. वो कैसे होता है वो हम देखते हैं. सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया. कौन? स्पर्मेटोगोनिया है ना बेटा, जिसको हम और क्या बोलते हैं, अगर हम और बोले तो स्पर्मेटोगोनियम भी बोल दो, ठीक है. अब ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? डिप्लॉइड होता है. कैसा होता है? डिप्लॉइड. 2n यानी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब बेटा क्या होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा ना माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है. क्या? माइटोटिक डिवीजन यानी ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे बन जाते हैं. तो इनका क्या होता है, नंबर इंक्रीजेस हो जाता है. क्या? नंबर इंक्रीज हो जाता है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो बहुत सारे हमारे पास क्या बन चुके हैं, स्पर्मेटोगोनिया. उसके अंदर से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, जो इतने सारे स्पर्मेटोगोनिया है उसमें से कुछ इतना सा पोर्शन, सम स्पर्मेटोगोनिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. स्पर्मेटोसाइट, ठीक है. तो अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी ऑब्वियस ही बात है, ये डिप्लॉइड था तो यहाँ पे कुछ डिवीजन तो हुआ नहीं है तो ये भी डिप्लॉइड ही होगा, 2n ही होगा ना. yes, ma'am. Yes. यानी इसका भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46. अब क्या होता है, पहला मियोटिक डिवीजन यानी पहला डिवीजन स्टार्ट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पे हो जाता है. तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे दो स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम. ठीक है, तो ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट.
ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, डिवीजन हुआ है, यहां से लेके यहां तक डिवीजन हुआ है, तो यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, ठीक है, यहाँ n हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा 23, इज दैट क्लियर? यस। तो अब देखो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अगेन यहाँ पे स्टार्ट होगा इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्या? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो अब ये जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो ये वाला फर्दर दो में डिवाइड होगा, ऐसे करके, और ये वाला भी फर्दर दो में डिवाइड होगा, है ना? तो यस मैम। चार स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4, तो ये जो चार स्ट्रक्चर बने ना बेटा, यस मैम। इसको हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटो स्पर्मेट, इज दैट क्लियर? किसी को कोई यस। कंफ्यूजन? नो मैम। यही स्पर्मेटेड आगे जाके डिफरेंशिएट करते हैं और इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ आगे जाके बनाते हैं हमारे स्पर्म, इज दैट क्लियर? ये यस। कहानी चलती है। तो ये देखो, किसी ने हैंड रेस किया है क्या? हाँ शिवम। नो मैम। अच्छा मैम तो ये स्पर्मेटिक्स में देखो, कितने क्रोमोसोम होंगे? क्या बेटा? स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? ट्वेंटी वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। थ्री इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? क्या कभी 23 का आधा हो सकता है? नहीं, तो यहाँ पे 23 ही रहेगा और ये स्ट्रक्चर होता है हैप्लॉइड, इज दैट क्लियर? अभी इसको हम डिटेल में वापस, मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पर डायग्राम भी दिखाने वाली हूँ, है ना? सोचो 23 ही होंगे या इसके आधे भी हो सकते हैं? इतने ही सोचो होंगे, सोचो नहीं होंगे, सोचो सोचो अभी सोचो, और मैं आपको नेक्स्ट पेज पे वापस दिखाने वाली हूँ, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड का, किसमें बनने का? स्पर्म में बनने का, स्पर्मेटिड, एक सेकेंड, स्पर्मेटिड जब स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटेड का स्पर्म में कन्वर्जन को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमें समझ आ गया था, जो पूरा प्रोसेस है स्पर्म यस का मैम। बनने का, टेस्टिस से लेके स्पर्म का बनने का, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटेड का स्पर्म में बनना। सो व्हाट इज स्पर्मिएशन? देखो मैंने आपको क्या बोला, सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होते हैं ना, सेमिनिफेरस टिब्यूल, यस वहां से मैम। ये रिलीज होते हैं, है ना? तो वहां से जब ये रिलीज होते हैं ना स्पर्म, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है? यस मैम। सबको समझ आया? तो बेटा एक मेरा क्वेश्चन ये है, जो ये स्पर्मियोजेनेसिस है, ऑब्वियसली बात है, मतलब ये स्पर्म का बनना स्पर्मेटिड से, ये कब स्टार्ट हो जाएगा बताओ? प्यूबर्टी प्यूबर्टी के बाद ही ना, प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सब स्टार्ट किस पे हो रहा है? प्यूबर्टी पे। तो यार कुछ हॉर्मोन्स के बारे में अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो ये सारा प्रोसेस करवा रहे हैं और कौन कौन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे? प्यूबर्टी पे। तो हमारे ब्रेन में एक, आपको पता है, पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस, है ना? तो यस अपना वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है? अब सबसे मैम। पहले क्या होता है, गोनाडोक्रोसिन हार्मोन। जैसे वेरी गुड, हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या सिक्रीट होना शुरू होता है मेल्स की बॉडी में? क्या मैं इंक्रीज टॉक इन जी एन आर एच, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन, हार्मोन गोनेडोट्रोपिन, ट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग बताओ? हार्मोन। वेरी गुड, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ना, ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी वजह से मतलब बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी भी स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी से पहले ये जीएनआरएच प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है? अब ये क्या करता है, जैसे ही बॉडी में जीएनआरएच बढ़ता है, आपके क्या होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। कैसे? ये जाके एक्ट करता है कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, हाइपोथैलेमस के दो पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर।
दो पोर्शन होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो GnRH कहाँ पे एक्ट करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और दो हार्मोन रिलीज करता है, पहला LH, दूसरा FSH। LH इज नोन एज लेडिक हार्मोन। हाँ शिवम मैम, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है क्या? Oh my bad, it's anterior, it's anterior, right, my bad, it's anterior, है ना? Yes ma'am. ठीक है, एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं follicular stimulating hormone और दूसरा LH को क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, luteinizing hormone, is that clear? Yes ma'am. ठीक है, तो अब ये दो हार्मोन रिलीज हो रहा है, अब इन दोनों का एक पर्टिकुलर काम है। LH क्या करता है और FSH क्या करता है, कोई मुझे बताएगा? मैम ये वही हेल्प करते हैं ग्रोथ में। हाँ LH लीडिंग सेल्स एक्ट करेगा जिससे वो एंड्रोजेंस निकलेंगे। L फॉर LH, L फॉर लेडिक सेल, ऐसे याद रखना, L फॉर LH, L फॉर लेडिक सेल। तो मैंने आपको दिखाए थे अभी लेडिक सेल क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, एंड्रोजेंस। हाँ कहाँ गया मेरा ये लेडिक सेल्स, ये रहा, ये लेडिक सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। तो अभी आपको समझ आया कि LH आखिर क्या करवाएगा बेटा, LH जो है वो क्या करवाएगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ किसका, एंड्रोजन का, और एंड्रोजन की वजह से ही हमारे वो जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना बेटा, वही होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवा रहा है फिर हमारे, अगर बोले तो LH या FSH? LH करवा रहा है क्योंकि वो एंड्रोजन सिक्रीट करता है, और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो स्पर्म का फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, फिर दूसरा बचा था एक लेडिक सेल्स के बाद एक सर्टोली सेल्स थे, आपको याद आ रहे हैं? Yes. तो ये जो FSH है ना, ये सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्टोली सेल अपना काम करता है। और ये क्या करवाता है, ये करवाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या करवाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था बेटा? मैम स्पर्मोटिड का स्पर्म में फॉर्मेशन। वेरी गुड, और स्पर्मिएशन क्या था? मैम वो बच्चों के लिए अगर एक अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, तो ये मैंने इसलिए ना तीनों आपको एक साथ लिख दिया क्योंकि एनसीईआरटी में ही अलग अलग जगह दे रखे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक अभी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करेंगे, है ना? तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं यार ये वाला स्ट्रक्चर एक बार, जो मैंने आपको वो बताया ना, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा मतलब ब्लर है, पर आपको दिख रहा होगा कौन सा कितना बन रहा है, वो ही दिखाना बस मेरे को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। देखो ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा है ना, और उस वक्त कितना था क्रोमोसोम का नंबर? 46 है ना। अब देखो सिंगल स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें माइटोसिस हो रहा है, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, ठीक है, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, तो जैसे देखो इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये दो में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, इसके बाद हमारा सॉरी ये अगर इसको ऐसे बोले तो ये रहा, दैट इज 23 फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो हुआ, उसके बाद इसका नंबर हो गया आधा, तो अब ये दो बन गए। मैंने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो बन जाते हैं, तो ये दो बन गए। फिर मैंने बोला हर एक से चार स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मतलब एक से दो, तो ये फाइनली जो चार स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटेड। तो मैंने आपसे बोला था अब आप बताओ क्या नंबर होगा स्पर्मेटेड का, तो स्पर्मेटेड भी बेटा 23 होंगे, 23। और ये देखो आगे जो स्पर्मेटेड है ना, हर एक स्पर्मेटेड डिफरेंशिएट होके क्या बना रहा है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। दिख रहा है आपको ये? यस मैम।
ये कैसे चला है पूरा प्रोसेस समझ आ गया आपको? ये वाला जो आपका डायग्राम है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और ये जो मैंने आपको उठाया ना, ये वाला, यार एक सेकेंड, ये वाला जो डायग्राम है ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है? यस मैम। ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये मैंने जूम करके समझाने के लिए लिया था, ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अच्छे से समझ आ गया ना? यस मैम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, यार ये जो स्पर्म आखिर बना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कोई मुझे बताएगा कैसा स्ट्रक्चर होता है? एनीवन? बताएगा? देखो हमारा जो स्पर्म होता है ना, वो आपको पता है कुछ कुछ ऐसा करके दिखता है, ऐसा। यस मैम। दिखता है ऐसा करके? यस मैम। तो देखो हम अगर बोले तो क्या ये तीन पोर्शन में डिवाइडेड है? क्या बेटा? मैम फोर पोर्शन में डिवाइडेड। तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है? मैम पहला हेड है। हाँ। सेकंड नेक। नेक। हाँ। फिर मिडिल पीस और फिर टेल। मिडिल पीस, टेल। वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है बेटा हमारा कुछ कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है? देखो सबसे पहला ये नेक है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा पतला सा होता है ना, फिर ये हमारा मिडिल पीस होता है, फिर ये हमारा टेल होता है। अब सबके ना एक अलग अलग फंक्शन होता है। देखो क्या, जैसे ये जो हेड है ना बेटा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे पहला जो हेड है इसके अंदर बेटा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कोई मुझे बताएगा वो न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? वो होता है ऑब्वियस हैप्लॉइड ही होगा, पूरा हमारा स्पर्म ही हैप्लॉइड है ना बेटा। यस मैम। तो उसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट हो सकता है? अगर उसके अंदर कोई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता तो हमारा स्पर्म डिप्लॉइड नहीं हो जाता, सारे वो हैप्लॉइड चीजों से मिलके बना है, इसलिए हमारा स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है? तो अब क्या है स्पर्म हमारा, सॉरी हेड के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका एक एंटीरियर पोर्शन होता है यहाँ पे आगे की तरफ, इस पे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कोई मुझे बताएगा उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जिसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। अब बेटा ये जो एक्रोसोम है ना, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम। और यही एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। याद है आपको मैंने बताया था वो जाके हमारे मेम्ब्रेन में चेंजेस करते हैं एंड इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ एवरी अदर स्पर्म। इसीलिए हमेशा एक स्पर्म के साथ सिर्फ एक ओवम फ्यूज करता है बिकॉज ऑफ दिस एक्रोसोम। इज दैट क्लियर? यस मैम। अगर ये नहीं हो तो भाई भेड़चाल चल रही है, कुछ भी हो जाता, ठीक है? अब हम आते हैं, देखो फिर ये एक आता है नेक पीस, ये हमारे क्या करता है, हेड को मिडिल पीस से कनेक्ट करके रखता है, दैट्स इट, बस इसका इतना सा काम आता है। फिर हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है कौन सा, मिडिल पीस। क्या है? मिडिल पीस बेटा, ये जो पोर्शन है ना इसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। वेरी गुड। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे हम बोलते हैं एटीपी, हाउस ऑफ एटीपी। तो ये क्या करते हैं बेटा, इट विल प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। और अगर वो भी प्रिसाइसली बोले तो ये जो टेल को चलने के लिए एनर्जी मिलती है ना, वो हमारे को माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, ठीक है? और हमारे को ऑब्वियसली बात है स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है फर्टिलाइजेशन अगर करवाना है तो, ठीक है? स्पर्म की मोटिलिटी क्यों जरूरी है मैं आपको बताती हूँ। कुछ है ना, देखो ऐसा होता है, अब आप देखो हर इंटरकोर्स के वक्त है ना, जब भी कोइटस परफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ है कि स्पर्म का कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिलीज होता ही है। तो हर
जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो प्रेगनेंसी में लीड क्यों नहीं करता, वो इसलिए भी नहीं करता क्योंकि ना स्पर्म का ना एक क्राइटेरिया होता है कि उनकी कुछ पर्टिकुलर मोटिलिटी होनी चाहिए और कुछ पर्टिकुलर उनका शेप होना चाहिए। अगर वो फुलफिल कर पाते हैं तभी वो आगे जाके ओवम से जुड़ते हैं। तो देखो जैसे लेट से एक बार अगर इंसेमिनेशन हुआ, एक बार कोइटस परफॉर्म हुआ, ठीक है, तो एक बार में कम से कम 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है ना बेटा वो रिलीज होते हैं एक कोइटस में। किसमें? एक कोइटस में, दैट इज इंटरकोर्स। तो इसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं, ठीक है? यस मैम। पर इसमें से सारे कोइटस क्या मैम? कोइटस में मतलब इंटरकोर्स, ठीक है? तो देखो अब क्या हुआ है, देखो 200 मिलियन से 300 मिलियन निकले हैं पर इसमें से आखिर कोई एक ही स्पर्म है जो जाके हमारे फर्टिलाइजेशन करवाता है। तो उसके लिए फॉर फर्टिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कोई मुझे बताएगा? 60-40% का क्राइटेरिया है। जो 60% जो है उसका क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। और 40% उसकी विगोरियस मोटिलिटी, विग्रस मोटिलिटी, मोटिलिटी, विग्रस बोला है यहाँ पे, ठीक है? किसी ने हैंड रेस किया है? नो। विग्रस मोटिलिटी मतलब बहुत तेजी से चल के जाना चाहिए, जो पहले पहुंचा वो जीत जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो मैम। है ना, नहीं है? यहाँ तक आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है अच्छे से, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ, एक टर्म आता है, क्या आता है? एक टर्म आता है सीमेन, वो क्या होता है? स्टेमिनल फ्लूइड। एक्सेसरी ग्लैंड्स के सारे सेक्रेशन मिल जाते हैं स्पर्म के साथ, तो सीमेन कहता है। वेरी गुड। कौन था ये? सीमेन और स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा। वो तो सही है, बट ये बहुत प्रिसाइजली अच्छे से बोला था एक ने, जो हमारे एक्सेसरी मैंने आपको बताए थे ग्लैंड्स, तीन एक्सेसरी ग्लैंड के नाम बताओ मेरे को फटाफट फटाफट। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और एपिडिडिमिस। बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये जो तीन साथ में लगे पड़े ना, जुड़े हुए पड़े, ये देखो सेमिनल वेसिकल ये वाला, प्रोस्टेट ये वाला, और ये जो नीचे थोड़े बीन साइज प्रेजेंट है, एक दो और तीनों, यहाँ देखो पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीनों क्या है बेटा? एक्सेसरी ग्लैंड है। तीनों मिलके एक साथ सिक्रेशन परफॉर्म रिलीज करते हैं और तीनों सिक्रेशन बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमारा जो सीमेन है वो किस क्या होता है, हमारा ये जो एक्सेसरी ग्लैंड है इनका जो सिक्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म, ये दोनों मिलके बनाते हैं स्पर्म। इज दैट क्लियर? इसको आप न्यूमेरिकल की तरह भी याद करो कि लेट से अगर मैंने बोला स्पर्म क्या है, आपसे पूछा जा सकता है स्पर्म क्या है, तो क्या स्पर्म सीमेन माइनस सेमिनल प्लाज्मा हो गया? यस यस मैम। अगर ये यहां से यहां उठ के जाएगा तो नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि सेमिनल प्लाज्मा क्या है तो आप बोल दोगे सीमन में से अगर मैं स्पर्म को माइनस करूंगी तो वो सेमिनल प्लाज्मा हो जाएगा। यस मैम। तो ये तीन प्रोबेबिलिटी बन रही है। मेन तो आपको जो न्यूमेरिकल है, मतलब जो मेन हमारी इक्वेशन है वो ये वाली है। अब इस इक्वेशन से प्लस माइनस इधर उधर भेज के आप करते रहना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला ठीक है, ये वाला मेन है हमारा, ठीक है? और आपको क्योंकि देखो ये बहुत सॉर्टेड सा था, एनसीईआरटी की लाइन थी, पर अब एग्जाम में कहीं पे कहीं ऐसे लिखा आ गया
तो बच्चे नहीं बोलेंगे ये तो एनसीईआरटी के बाहर का था, बोलेंगे ना थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना था इसमें, प्लस माइनस ही तो करना था, एनसीईआरटी के बाहर की चीज है नहीं है ना, एनसीईआरटी के बाहर की चीज। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, एनसीईआरटी के बाहर का तो कुछ भी नहीं आता है। अभी जो बच्चे अभी जो नीट दे रहे हैं ना, अभी जो 10-15 दिन बाद जो नीट है, अब वो बच्चे बैठ के क्या कर रहे हैं है ना, उनको पूरे साल कुछ बच्चे आधे दूसरे टीचर से पढ़े आधे मेरे से, मैं तो देख रही कि एनसीईआरटी से पढ़ने कुछ बच्चे इधर भागते उधर भागते, तो अब जो इधर उधर भागे ना वो बैठे क्योंकि उनका एनसीईआरटी भी क्लियर नहीं है। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो आते किससे हैं, सारे एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी उनकी अगर क्लियर हो जाती तो वो 90 में से 85 क्वेश्चन तो यूं ही कर देते, पर क्या करें वो इधर उधर भागे, तो अब वो 90 में से कुछ क्या कर पाते हैं, 50 क्वेश्चन कर पाते हैं, 90 में से 60 क्वेश्चन कर पाते हैं, ऐसे कोई सिलेक्शन होता है क्या, नहीं होता ना। तो इसलिए एनसीईआरटी से स्टिक रहना, सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा होता है। और मैंने आपको टारगेट दे दिया है, आप अभी हो कम से कम आपकी 100 बार एनसीईआरटी रीड हो जानी चाहिए जब तक 12th खत्म होगी। 4 साल पढ़ने के तो चैप्टर होते हैं आपके एनसीईआरटी के, इतनी सी तो एनसीईआरटी है कि नहीं, और कोई न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं करना आपको। मैम 11th भी तो है। अरे 11th तो 100 बार अलग है, 11 सौ बार अलग है। चलो अरे चलो ज्यादा बोल दिया, 50 बार 12th की एनसीईआरटी और 50 बार 11th की एनसीईआरटी, बस ये सही है ना। Yes, तो अब मैं देखूंगी किस किसने कितनी बार कर लिया, अपने ना डेली काउंट करते चलना और नंबर लिख देना, आज मेरी एनसीईआरटी पूरी, अभी तो नहीं हो सकती वो ऑब्वियस सी बात है, 11th की हो सकती है, तो 11th की पूरी एक बार कर लो, तो लिख देना 11th की एनसीईआरटी मेरी एक बार कंप्लीट हो चुकी है, फिर लिख देना मेरी 11th की एनसीईआरटी आज दूसरी बार कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्वियस 12th की तो होने में भी टाइम लगेगा, मैं करवाऊंगी, बट आई विल ट्राई कि मैं आपका सिलेबस ना जल्दी से जल्दी कवर करवाऊं, सो दैट मैं आपको रिवाइज भी पूरा ना एक बार नहीं दो बार करवा दूं। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपका सिलेबस जबरदस्ती रोज खींचू एक ही चीज को। अपन तो देखो कितना स्लो एंड स्टेडी भी चल रहे हैं, बहुत फास्ट भी नहीं चल रहे ना अपन, नो मैम है ना, बिल्कुल आराम से चल रहा है अपना, तो पेस भी ठीक है, तो अपना पेस भी ठीक है और सब कुछ। एक सेकेंड रुको, तो अपन इसी पेस से चलेंगे और अपना पता पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं। और अब आप बताओ ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया लगा या स्लाइड वाला ज्यादा अच्छा लगा? ये वाला कुछ अच्छा है, ये ज्यादा समझ आता है, दोनों ही सही, मैम दोनों सही लगे मुझे। यस मैम, हां मतलब मेरे हिसाब से ना इसके अंदर ज्यादा समझ आता है, ज्यादा स्कोप रहता है उसके, आप जैसे डायग्राम की तरह बना के करते हैं वो जल्दी आता है समझ में, है ना ये वाला जैसे। तो अब मैं ना आप लोगों को क्या, ये आज पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं आपको इसका पूरा ना पीडीएफ एज इट इज शेयर कर दूंगी, तो अब आपको ना देखो हर चीज ना बहुत ऐसे क्लियरली समझ आ जाएगी कि यार देखो क्या क्या हुआ है, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं पूरा यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया आपके सामने, ये जो पीडीएफ है ये आपके सामने एज इट इज ऐसे आएगा, ठीक है, और आप इसको पढ़ लेना, और सब कुछ इसके अंदर है, कुछ अगर एक्स्ट्रा एड ऑन करने का था वो भी मैंने एड ऑन कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे। तो ये आपका पीडीएफ है जो मैं अभी आपको क्लास के बाद अभी शेयर कर दूंगी, इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चा पार्टी, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। हाँ वो तो आज दिन शुरू हुआ ही है बेटा, अभी तो सुबह का, तो मैं करूंगी बात, है ना। ओके मैम ठीक है, चलो बाय 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 एवरीवन। मैम हां बोलो क्या मैम, इस सैटरडे के मतलब कि रिवीजन क्लास हो गई या फिर ऐसे ही? इस सैटरडे को जो बोलोगे वो करवा दूंगी, आपको अगर रिवीजन करना है रिवीजन करवा दूंगी, क्लास से ये क्लास ले लूंगी, आप बता देना क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों का बैच का स्ट्रेंथ वैसे ही कम है तो आपके कंफर्ट के हिसाब से चल लूंगी मैं तो। कर लेंगे क्वेश्चन कर लेंगे रिविजन कर लेंगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, सो देट आपकी क्वेरी जो है कंसेप्ट जो है और बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है आज क्या है अपना, थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे परसों, ठीक है ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं अपन, आज चैप्टर खत्म हुआ है ना तो कल इसके क्वेश्चन कर लेते हैं फ्राइडे में, सैटरडे में फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा एक कल हमारी क्लास ही नहीं है बायो की। अच्छा कल आपकी क्लास नहीं है, फिर ठीक है फिर तो सैटरडे में रिवाइज ही कर लेंगे, मंडे से न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो फिर अपन कल परसों क्वेश्चन करते हैं और ये चैप्टर पढ़ के आना अच्छे से, सो दैट मैं आपसे एमसीक्यू करवाऊंगी तो आप हर एक एमसीक्यू का अच्छे से जवाब दे पाओ, ठीक है मैम। हाँ क्या बेटा मैम, चैप्टर फर्स्ट ही है दोनों,
नहीं नहीं सिर्फ मैं भी थर्ड का कराऊंगी, थर्ड का और सेकंड का दोनों का करेंगे बस। और आप एक चीज याद रखना, जो पढ़ के नहीं आएगा वो आंसर नहीं दे पाएगा। और मैं ये चीज रखूंगी कि मैं फर्स्ट, आप कितने का स्ट्रेंथ है आपका, कम ही है ना, 10 ही का है, तो मैं फर्स्ट 5 जो आंसर होंगे सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है आंसर तो तुम सब सही दे दोगे कि मैम ऑप्शन ए ए ए ए, पर मैं कंसिडर कौन से करूंगी, सिर्फ जो फर्स्ट 5 आंसर होंगे ना सिर्फ उसी को, सो दैट उससे आपकी क्या होगी मैम, पोल हाँ, करेंगे। हाँ पोल करके नहीं करेंगे, नहीं क्योंकि नहीं, आपका बेस्ट स्ट्रेंथ कम है तो मुझे पता नहीं पड़ेगा किसने कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको किया है और किस बच्चे ने क्या किया है, ठीक है, उसके अंदर ओवरऑल आएगा, तो मैं आपसे चैट बॉक्स में करवाऊंगी, सो दैट आप लोग फटाफट फटाफट करो, जो फर्स्ट 5 आंसर होंगे ना वो मैं दिखूंगी, और जो स्पीड, इससे क्या होगा आप लोग की यार फर्स्ट 5 में आना है तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आप क्या बेटा मैम, बस इस वाले चैप्टर का ना, हाँ इस वाले चैप्टर का और सेकंड चैप्टर दोनों का मैम, बस इसका एक एक चैप्टर एक एक बार, नहीं नहीं तो एक काम करो सुनो, नहीं इस वाले का रहने दो, पहले सेकंड चैप्टर का, क्योंकि आपका संडे को ना सेकंड चैप्टर का टेस्ट है। ओके मैम, यस मैम, संडे सेकंड चैप्टर का टेस्ट है, तो थर्ड चैप्टर अभी मत करना, थर्ड चैप्टर अपन नेक्स्ट सैटरडे को कर लेंगे, अभी सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है? ओके मैम, तो अभी आपको परसों सेकंड चैप्टर करके आना है, नो मैटर व्हाट अच्छे से कर लेना, तो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट सैटरडे को अपन थर्ड चैप्टर के करेंगे, ठीक है? ओके मैम, ठीक है, ओके बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, बाय मैम, बाय बाय।